नमस्कार, आप देख रहे हैं विशारद टाइम्स। विशारद टाइम्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुरेश शास्त्री और आज हम बात करने वाले हैं सन 2018 मार्च महीने के राशि के बारे में। अब हम बात करेंगे एक तरीके से सिंह राशि के बारे में। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए विदेश जाने की बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, वो बाहर जा सकते हैं। दूसरा चीज, कर्ज ले सकते हैं, परंतु जो ज्योतिषी ये गुण है उसके अनुसार से उनको कर्ज लेना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्ज लेने से हो सकता है शायद वो सही समय पर उसे लौटा ना सके। दूसरा चीज, उनका पत्नी पक्ष मजबूत रहेगा, यानी स्त्री पक्ष मजबूत रहेगा, ससुराल पक्ष से उनको फायदा हो सकता है। बहुत मतलब इस तरीके का फायदा हो सकता है कि कोई बहुत दिनों से वो कोई योजना बना रहे होंगे, जो कि योजना उनका साकार नहीं हो रहा था, तो उनके सास ससुर इत्यादि साले उनकी मदद कर सकते हैं और उस मदद से वो योजनाएं जो हैं फलीभूत हो सकती है और आगे जा सकती है। नए नए उनके पास संबंध आएंगे, नए नए कार्य करने का अनुबंध आएगा, किसी भी प्रोजेक्ट पे वो कार्य कर सकते हैं। बहुत दिनों से वो प्रोग्राम बना रहे हैं किसी काम को लेकर के, कि ये काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी स्थितियों में वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर महिला वर्ग इस चीज पर विशेष ध्यान रखें कि उनकी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वास्थ्य उनको उदर से संबंधित यानी पेट से संबंधित उनको दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए खान पान इत्यादि पर विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और आप चाहें तो आप बड़ी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर आपके ऊपर सूर्य भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है और आप चाहें तो आप लंबी से लंबी यात्रा कर सकते हैं। नमस्कार।